दोस्तों यही वो प्रोडक्ट है जिसके चक्कर में लड़के भ्रमित हो जाते हैं, और लगाने से पहले कुछ ऐसे दिखती हैं और लगाने के बाद अप्सरा दिखती हैं। तो लड़के पीछे का नहीं देख के आगे का जो रहता है वो देख के भ्रमित हो जाते हैं। तो हम कृपया यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि कि मुंह धुलवा के मुंह धुलवा के फिर तब प्रपोज शादी वरपोज करे, करें, बाकी शादी नहीं। करे तब पसंद करे तब प्रपोज करे ना। हाँ, नहीं तो आप भी हमारी तरह ऐसे ही धोखा कंपनी में घोटाला में चले जाएंगे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं, तो प्रेम से बोलो जय माता जय माता दी। और हम लोग की यहाँ पे पीछे गाड़ी है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, माता जी का दर्शन करके भी और बहुत हम लोग अच्छा दो लगा। दिन रुके यहाँ दो पे। दिन यहाँ पे रुके और भी दिन रुकते, और यहाँ पे आइए हम आपको पीछे दिखाते हैं। यहाँ देख सकते पहाड़ है जहाँ पे हमारी माता रानी विराजमान है, और अगर माता रानी का कृपा रहा तो फिर आएंगे नहीं, और हमेशा आते जाते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय माता जय माता दी। तो दोस्तों चलिए गाड़ी में बैठते। हम अब कार में बैठ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा सामान था, लेकिन फिर भी हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा है, कम से कम इसमें वो साइन थीटा कॉस थीटा का प्रयोग किए हम लोग। उसके बाद जाके इतने स्क्वायर ही जगह स्क्वायर में फिर 2x² का ट्रिग्नोमेट्री का फिर फार्मूला लगा है, तब जाके इतना सारा सामान एडजस्ट हुआ है। तो अगर आप लोग भी जो लोग कहते हैं मैथ बेकार सब्जेक्ट है, तो प्लीज़ आप लोग मैथ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ, और अगर किसी को हमारी बातें बुरी लगती हो तो बोलो जय माता दी जय माता दी। तो अभी कुछ लोग हमारे भक्तजन हैं जो आंखों पे चश्मा लगाना चाहते हैं, तो हमारी आंखों में तो ये चश्मा लगा दी है अपने प्यार का। कोई भी मेरे आंखों में जूम करके देख ले, चेहरा नजर इसी का है। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो माता रानी से यही अनुरोध रहेगा फिर अपने दरबार में हम लोग बुलाएं, क्योंकि माता रानी के यहाँ कोई आता नहीं, वो खुद बुलाती है अपने भक्तों को नहीं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दरबार है। और जब ऊपर आप लोग माता जी का दर्शन करने पहाड़ पे पहुँचेंगे तो वहाँ की जो वादियाँ देखेंगी तो वो समझ बहुत ही लीजिए आप खूबसूरत। खूबसूरत स्वर्ग का फील होगा, कि जैसे हम जीते जी स्वर्ग में आ गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद बादल और इंसान दोनों एक में रहते हैं। बादल आपके आगे आगे चलेगा, आप उसके पीछे पीछे, कहीं कहीं तो बादल भी ऐसे रुका रहेगा और आप भी रुके रहेंगे नहीं। हम लोग के इतना इतना खूबसूरत लग रहा था, मन करा था बादल पे कूद जाएं, लेकिन बादल वो भाप की तरह रहता है, जब कूदेंगे तुरंत हम नीचे आ जाएंगे। अगर बादल में छत ढलैया रहा होता तो हम कूद गए होते। तो प्रेम से बोलो जय माता जय माता। तो प्रेम से बोलो जय माता। जय माता।